नमस्कार दोस्तों, गूगल 12 दिसंबर को मारिया टेलफेस का जन्मदिन मना रहा है। मारिया टेलफेस गूगल डूडल आज भारत में दिखा रहा है। मारिया टेलफेस एक अत्यधिक सम्मानित हंगरियन अमेरिकन बायोफिजिसिस्ट, वैज्ञानिक और आविष्कारक थी, जिन्होंने सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर काम किया था। 1952 में आज ही के दिन डॉक्टर टेलफेस द सोसाइटी ऑफ वुमेन्स इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली पहली व्यक्ति। डॉक्टर टेलफेस का जन्म 12 दिसंबर 1900 को हुआ को बुडापेस्ट में हुआ था। उन्होंने बुडापेस्ट के लॉरेंट विश्वविद्यालय में भौतिक रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था। उन्होंने बीए के साथ स्नातक किया था 1920 में और 1924 में पीएचडी प्राप्त की थी। वह 1925 में संयुक्त राज्य अमेरिका आई और बायोफिजिसिस्ट के रूप में एक पद स्वीकार किया। डॉक्टर टेलकिस ने एमआईटी में सौर ऊर्जा समिति के सदस्य के रूप में अपना करियर जारी रखा। एमआईटी में रहते हुए टेलकिस ने एक ऐसी विधि बनाई जिसने सूर्य से ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए सोडियम सल्फेट का उपयोग किया गया। पहली बार उन्होंने 1939 में सौर ऊर्जा अनुसंधान की दुनिया में कदम रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा सौर डिस्टिलर विकसित करने में मदद करने के लिए बुलाया गया था, जो समुद्री जल को ताजे पानी में परिवर्तित कर देता था। इस जीवन रक्षक आविष्कार का उपयोग पैसिफिक थिएटर में तैनात सैनिकों द्वारा किया गया था। युद्ध के बाद डॉक्टर टेल्स एक सहयोगी अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में एमआईटी में लौट आए। उसे और उसके एमआईटी सहयोगी को रहने योग्य सौर स्थापित घर बनाने का काम सौंपा गया था, पर 1948 में परोपकारी लोगों से निजी धन प्राप्त करने के बाद उन्होंने आर्किटेक्ट एलेनोर रेमंड के साथ साझेदारी में डोवर सन हाउस बनाया था। डॉक्टर टेल्स फोर्ड फाउंडेशन द्वारा नियुक्त किया गया था और उसने एक सोलर ओवन डिजाइन बनाया जो आज भी उपयोग किया जाता है। उन्होंने एनबीआई, प्रिंसटन विश्वविद्यालय और डेलावेयर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसंधान सौर ऊर्जा में मदद की थी। डॉक्टर टेल्स ने 20 से अधिक पेटेंट अर्जित किए और कई ऊर्जा कंपनियों के लिए सलाहकार के रूप में काम किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्हें द सन क्वीन के रूप में याद किया जाता है। हैप्पी बर्थडे मारिया टेल के। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।